जिला किन्नौर के अंदर जो हमारा जिला मुख्यालय रिगोंगपियो में साड़ा के अंडर में जो कूड़ा उठाने का काम वर्ष 2019, 20 और 21 में किसी ठेकेदार को दिया गया था, और उस ठेकेदार की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें जो नियम शर्तों के अनुसार जो कूड़ा उठाया जाना था वो शुदारंग, ब्रलिंगी, तेलंगी, रिकोंगपियो, सब्जी मोहल्ला, इन इन जो जगहों से कूड़ा उठाने का काम जो एक ठेकेदार को दिया गया था, और नियम और शर्त के अनुसार जो कूड़ा उठाना था वह कूड़ा डोर टू डोर उठाना जाना था। किंतु ठेकेदार को जब साड़ा के थे जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें ये लिखा गया है कि जो साड़ा है वो ठेकेदार को हर महीने जो है वो कूड़ा उठाने का जो पैसा देगी। क्या किया, वर्ष 2020 में जब कोविड काल लगा था तो उस समय पूरे जो हमारा देश कोविड की वजह से सारी जो चीजें ठप पड़ी थी, ना ही कोई आने जाने की सुविधा थी, ना ही कूड़ा उठाने का जो काम हुआ है, किंतु निजी ठेकेदार ने क्या किया, आम लोगों से 50 रुपये प्रति महीना वसूला वसूला है, जो गैर कानून तरीके से जो धन की वसूली हुई है, और ये जो पैसा जिन्होंने उठाया वो उसमें ना तो नियम शर्त के अनुसार ऐसी कोई शर्तें थी कि जो कूड़ा घर घर से उठाना था उसमें जो ठेकेदार लोग किसी से पैसा वसूलेंगे, किंतु जो इन्होंने ठेकेदारों ने जो साड़ा के अंदर में जो पैसा वसूला है लोगों से गैर कानूनी तरीके से, तो मेरा साड़ा के जो चेयरमैन है उनसे मेरा ये सवाल है कि जो कूड़ा उठा गया था उसमें जो 50 रुपये की प्रतिमा जो इन्होंने ठेकेदार ने वसूली की है वो किसके तहत की गई है, और जो ये नियम शर्त थी उसके आधार पर तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना था या नियम शर्त नहीं थी कि ये जो लोग है प्रति महीने जो 50 रुपये लोगों से वसूलेंगे, ये जो है गैर कानूनी तरीके से वसूला गया है। और मैं चाहता हूँ कि साड़ा के जो चेयरमैन है इसके जो जो अवैध तरीके से धन वसूली की गई है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। और यहाँ रिगोंगपियो के अंदर साड़ा में जो भी जितने एरिया आते हैं उनमें जो कूड़ा उठाया जा रहा है वो कूड़ा रोज नहीं उठाया जा रहा है, और जो कूड़ा है कहीं पर सड़कों पर पड़ा हो, जहाँ पे आवारा पशु पशु उस पे कूड़ों पे बेचारे भूखे हैं, उस पे उनका भी ना कोई जो आवारा पशु कुत्ते हैं या जानवर कोई भी जानवर है उसका भी पूर्ण रूप से निपटारा नहीं किया गया है। और रिकोंगपियो के अंदर जो हमारे सीवरेज की नालियां है उसको भी निरंतर रूप से सफाई नहीं की जा रही, और आने वाले जो पर्यटक है बाहर से उनका हमारे जो ये निजी क्षेत्र रिकोंगपियो में जो पर्यटक स्थल है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो भी साड़ा के चेयरमैन को सोचना चाहिए, और लगातार जो शहर की जो हमारे रिकोंगपियो। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।